हफ्ते 20-30 विद्यालय देखता हूँ पटना के बाहर, इतनी अच्छे कुछ कुछ नियोजित शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमने तो किशनगंज में एक लेडी प्रिंसिपल को देखा, उनका पूरा टीम नियोजित शिक्षक का था। हमने उनको कहा एससीईआरटी में पटना में बुलाएंगे, उनका क्लास कराएंगे, इतना ऑर्गेनाइज, इतना कंट्रोल। मैं हाजीपुर में एक बार गया था तो वो शिक्षिका, दो शिक्षिका थी, बच्चों को 1-2-3 पढ़ा रही थी, FLM किट, ठीक है, वो 15 नंबर कैसे बनाना है, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कैसे होगा, उनका वो प्लास्टिक के उनके कोन्स थे, कोन पे हम सामान दिया गया था, FLM किट उसका इस्तेमाल हो रहा था, इतने जोश में बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे थे। हमने तो कितना हम लोगों को बताया गया कि जब कोई हमारे आप नियोजित शिक्षक जो BPSC में सेलेक्ट हुए हैं तो कई छात्रों ने रो रो के उनको बधाई दी है कि हम आप हमारे स्कूल से चली गई हैं, हम लोगों का क्या होगा, हमें तो लोगों ने बताया, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इसमें, बस हम लोगों को ये एक नैरेटिव को तोड़ना है कि ये साहब स्कूली शिक्षा में टैलेंट नहीं है, शिक्षक में टैलेंट है ये साबित करने की बात है, उसको बस हमें एक डेमोंस्ट्रेशन देना है। तो ये जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बना रहे हैं, एक इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि साहब ये देखिए ये पास भी कर गए और सब हो गया। तो इसलिए हम तो बहुत कई जगह देखा हमने, अभी तो खैर बच्चों में आपके स्कूलों में हाजिरी भी बढ़ गई होगी, पहले के मुकाबले बढ़ी है हाजिरी, बहुत बढ़ी। हम जुलाई में जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन शुरू किया था तो टीचर तो सारे मौजूद रहते थे, बच्चा नहीं दिखता, और बड़ा अजीब लगता था हमें और दुख भी होता था कि ये स्कूल है कि कब्रिस्तान। लेकिन हम देखते थे कि टीचर, एक स्कूल में हम गए 11वीं में एक बच्ची बैठी हुई थी केवल पूरे क्लास में, लेकिन उस टीचर की खास बात देखिए, वो महिला टीचर थी, वो पूरे मनोयोग से उस बच्ची को पढ़ा रही थी। देखिए टीचर कितना हतोत्साहित महसूस करता होगा कि वो क्लास में आया और पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, क्या पढ़ाना, डिस्करेजमेंट होता है। लेकिन उस वक्त हमें खुशी हुई कि हमने उनकी तारीफ भी की, मैडम मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ही बच्ची आई थी लेकिन आपने उसको पूरा 40 मिनट पढ़ा रहे हैं, आप पूरा मैंने बोर्ड देखा वो पढ़ा रही थी। कई सारे हमारे ये टीचर हैं नियोजित में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास ले रहे थे, मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, तो अपार टैलेंट है और बहुत सिंसियरिटी, बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों से। इसीलिए मुझे खुशी है कि हमें कोई नया कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग जो वैकेंसी भर रहे हैं वो एक नीतिगत तरीके से BPSC के माध्यम से भर रहे हैं। पहले की प्रक्रिया थी कि हम लोग पंचायत से करते थे और अब BPSC से लोग आ गए, वैकेंसी भर गई है, जैसे जैसे छात्रों को पता चल रहा है कि टीचर आ गए हमारे स्कूलों में तो हाजिरी और बढ़ गई। बाकी आप लोगों ने भी काफी उनको अनुशासन में डाला है, कुछ नाम काटा है बच्चों का, कुछ उनके अभिभावकों को बुलाया है, डाटा इसी सबसे ना असर पड़ा है। आप लोगों ने गांव-गांव जाके प्रचार किया, अपने इलाके में जाके प्रचार किया, माहौल बढ़ा, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां पे अब उपस्थिति बढ़ी नहीं होगी, सब जगह बढ़ गई होगी। तो हमें आप लोग इसके धन्यवाद के पात्र हैं जो मेहनत आप कर रहे हैं, हमें आशा है कि आप आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। बाकी हम लोगों के स्तर से जो हो रहा है हो सकता हम करेंगे, आपको शायद शिवहर से आए हैं तो हम लोग पता नहीं आपके यहाँ स्कूलों में बेंच डेस्क पहुंचना शुरू हुआ है कि नहीं, अभी नहीं आ गया है। हम लोगों ने ये कहा 1 अप्रैल से कोई बच्चा बेंच जमीन पर नहीं बैठे, और यहाँ भी सीतामढ़ी का मुझे पता नहीं कितना पीछे है कितना आगे है, अभी मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो ये बेंच डेस्क आ जाएगा, हर जगह कमरे आ जाने चाहिए, एक टीचर के साथ एक कमरा होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अलग पढ़ाए। हमने देखा कि कमरों की कमी की वजह से एक ही कमरे में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक आगे की तरफ से पढ़ा रहे हैं, एक पीछे की तरफ से पढ़ा रहे हैं, तो वो भी समस्या को अब दूर करना है। तो बड़े चुनौतियां हैं, रिक्रूटमेंट तो एक पहली चुनौती है। अब हमें अब जैसे 2 लाख टीचर मैडम ने बताया आ गए, अब 2 लाख टीचर के लिए हम लोग को 2 लाख कमरे बनाने हैं, तो मेरा ध्यान अब उस पर आ गया है। फिर 2 लाख कमरे हैं तो बेंच डेस्क है, जमीन लेनी है, बाउंड्री वॉल बनानी है, चोरी ना हो जाए सामान। अब हर स्कूल में जब इतना सारा फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएगा, तो उसकी सुरक्षा की भी तो बंदोबस्त करनी है, तो बड़े सारे काम करने। खैर ये हम लोग सरकार लगी हुई है इस पे, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस जोश के साथ आपने रिस्पॉन्ड किया है जुलाई से हमारे अभियान को, आप इसी जोश को बरकरार रखें। ठीक, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि
आप लोग भविष्य में भी इसी जोर शोर के साथ पार्टिसिपेट करें। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि ट्रेनिंग को नियोजित शिक्षकों ने बड़ी अच्छे स्पिरिट में लिया। मैं जब जुलाई में शुरू किया था तो मुझे लगा था कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या शुरू कर दिया हम लोगों का, लेकिन मुझे जुलाई से ही लगा कि ये ट्रेनिंग करके करा के हमने बड़ा अच्छा किया। आप लोगों ने बड़ी पॉजिटिव लाइट में लिया इसको कि ये ट्रेनिंग साहब अगर हमारी 10 साल से हर साल होती रहती तो हमारी टीचिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ चुकी होती। तो मुझे बड़ी खुशी। थैंक यू एवरीबॉडी।